चाइना मैं बल के समझ रहा हूं इंडिया वेस्टिंग देयर टाइम, जब पाकिस्तान असला खरीदने की सलाहियत नहीं रखता तो बैन किस चीज का लगवा रहे हैं अभी वो जिस तरीके हाँ बैन तो तब लगेगा, लगवा दे बैन का क्या फायदा। आप अफगानिस्तान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ आप उनको अंडरमाइंड नहीं कर पाएंगे ना आप करने की सलाहियत रखते हैं। वो कैसे, एक तो उनके $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, 400 प्रोजेक्ट वहां इंडिया कर रहा है लोगों के दिल जीतने के लिए, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो इंडियन मेड है, वहां की पुलिस की ट्रेनिंग है वो इंडियन मेड है, वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो इंडिया जाते हैं, वहां के एलीट क्लास इलाज कराने जाती है तो इंडिया जाती है। आपकी डिफेंस इस वक्त अगर चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप ठीक होते तो आपको कुछ भी नहीं मिलना था। मैं ये कहता था कि आपकी हर पॉलिसी डॉलर बेस है, अगले दिन मोईन यूसुफ साहब ने आके उसको सर्टिफाई कर दिया। हम अपने वीडियो की तरफ बढ़े लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आप हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते जिससे हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो अब हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। भारत की तरफ से फ्रांस से उन्होंने ये टॉक किया है या ये कहा है और कंसर्न शो किए हैं कि जो ईयू की तरफ से एक डिफेंस सपोर्ट होती है पाकिस्तान इटली की तरफ से जो है हमारा काफी जो है वो इस तरह के हथियारों की हम खरीदारी करते हैं तो उसके ऊपर अब बैन लगा दिया जाए। और क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त फ्रांस ईयू की प्रेसिडेंसी है उसके पास तो वो इस सिलसिले में कोशिशें करे, ये बात हुई है। आप इसको सर एक तरफ ये कि हम देख रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी तो ये है, उनके इश्यूज तो इस तरीके से चल रहे हैं, तो पाकिस्तान इसका किस तरीके से जवाब देगा? आप इस इशू को कैसे देख रहे हैं इस तनाजुर में कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इस पर? जाए इसके कि 74 साल की फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करूं लेकिन आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूंगा कि हमारे पिछले 3 सालों में हमारे खास अब करंट एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कितने कामयाब है दुनिया में वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए या वेयर वी स्टैंड है। अब मैं उसको शुरू करना चाहूंगा कि खान साहब की सबसे पहले बात ये थी कि उन्होंने शुरू किया अपना जो बिगिनिंग थी फॉरेन पॉलिसी का, पहला छक्का उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की स्पीच से लगाया, ट्रंप के साथ मोहब्बत में लगाया, एक सक्सेसफुल टूर का लगाया। पाकिस्तान गए तो उन्होंने कहा जी कि मैं एक दूसरा मैच वर्ल्ड कप जीत गया। उसके बाद दूसरा छक्का उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि हमने टर्की यहां से इस्लामोफोबिया का जो वो एक स्पीच देकर गए कश्मीर के हवाले से, दोनों का टर्की मलेशिया के साथ हम मिलकर टीवी चैनल बनाए। साथ ही सऊदी अरेबिया ने जब धमकाया तो उन्होंने चाइना से डेट रिलीफ लेकर चाइना को पैसे वापस किए, और उसी के रिजल्ट में उन्होंने जब उन्हें मोहब्बत बहुत होगी चाइना के साथ तो उन्होंने साथ ही नारा लगा दिया डेफिनेटली नॉट का, हालांकि उन्होंने अड्डे मांगे नहीं थे। हमारे आपके एनएसए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब कह चुके हैं कि अड्डे मांगे नहीं थे, खान साहब ने चाइना को खुश करने के लिए वो कर दिया। उसके बाद मोईन यूसुफ साहब को एनएसए मीटिंग में चाइना नहीं भेजा गया। फिर उसके बाद आगे चले तो एयर स्पेस का आर्टिकल आ गया कि एयर स्पेस यूज कर रहा है अमेरिका और साथ कंटीजेंट है कि हमारे इंडिया से आप रिलेशनशिप बेहतर करा दें। उससे आगे चले वेंडी शर्मन आई, वो धमकियां दे गई। उसे आगे चले तो अफगानिस्तान का फाल हुआ, अफगानिस्तान का एक ड्रामा क्रिएट हुआ। उसके बाद हमने वहां पाकिस्तान में सेलिब्रेशनें की, उनके झंडे लगाए। उसके बाद लेटली हमने गंदम का एक जो इंडिया ने जाना था तो इंडिया की गंदम 50 टन, उसके ऊपर एक और हमने ब्लंडर किया। ब्लंडर किस लिए किया मैं बताता हूं। आप देखिए, आप अफगानिस्तान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ आप उनको अंडरमाइंड नहीं कर पाएंगे ना आप करने की सलाहियत रखते हैं। वो कैसे, एक तो उनके $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, 400 प्रोजेक्ट वहां इंडिया कर रहा है लोगों के दिल जीतने के लिए, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो इंडियन मेड है, वहां की पुलिस की ट्रेनिंग है वो इंडियन मेड है, वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो इंडिया जाते हैं, वहां के एलीट क्लास इलाज कराने जाती है तो इंडिया जाती है। उसके बाद आपने 50 टन गंदम नहीं भेजनी थी, ना भेजते, लेकिन निगोशिएट को करना शुरू किया। आपने उन्हें क्यों कहा कि आपकी गंदम को हम बॉर्डर से ला के अपने ट्रकों में डालेंगे और पैसे आप किराया खुद देंगे? तो मेरा मकसद, आपने उसको बड़े बुरे तरीके से पलूट किया। और जो मेरा आपका ओरिजिनल जो एक ऑब्जेक्टिव था कि अफगानिस्तान में इनकी गुडविल इंडिया की ना बढ़ सके, तो वो उन्होंने ईरान की साइड से कर लिया। तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का एक छोटा सा मैंने आपको प्रीव्यू दिया। अब मैं उसके बाद में आना चाहता हूं फ्रांस के बारे में। ये वही फ्रांस है जहां अभी तक पाकिस्तान का एम्बेसडर मौजूद नहीं है,
ये वही फ्रांस है जहां तारिके लबैक पाकिस्तान के लिए आप अभी तक फ्रेंच जो है वो आपसे डर रहे हैं, और ये वही फ्रांस है जिसके पास यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी है। और अब उसके बाद आप जो इटली से आप लेते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत, वो आपको अगर को अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे तो वो दे दे। आपकी डिफेंस इस वक्त अगर चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप ठीक होते तो आपको कुछ भी नहीं मिलना था। आपको चाइना दे रहा है, इंडिया की दुश्मनी में आपको असला दे रहा है, फ्री दे रहा है, जिस तरह भी दे रहा है, यही एक सोर्स है। वरना आपके हालात ये हैं कि आप आईएमएफ में आपको चाइना पैसे देना बंद करता है तो आपके चार चार मिनिस्टर वाशिंगटन डीसी में आके आईएमएफ के सामने दरवाजे के बैठ जाते। आप फिर चाहे इनके आपने ऊपर आपने एक और तड़का लगाया, आपने इनकी डेमोक्रेटिक समिट में भी नहीं आए। उसके बाद मेरा मकसद आपके हालात, आपका सीपैक बंद पड़ा है, अगले महीने इमरान खान साहब वो उसको मिंथन करने जा रहे हैं चाइना में कि हमारे साथ कुछ करें। तो इन हालात में जब पाकिस्तान से अल अमान की आवाजें उठ रही हैं, आप सलाहियत रखते हैं कि आप असला खरीदें अगर इटली और फ्रांस आपको बेचना चाहते भी हो तो? आप यहां पे मेरा मकसद आपकी मैंने हमेशा कही थी पाकिस्तान के फॉर्म, अब उसमें मैं सपोर्टिंग आर्गूमेंट दूंगा। आपकी मैंने हमेशा ये कहा है कि आपकी हर पॉलिसी, नॉट ओनली फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और हर चीज डॉलर बेस रही है। आपकी इशराफिया को डॉलर चाहिए अपने बच्चों को वेस्ट में पढ़ाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टियां बनाने के लिए। आईएमएफ का 22वां प्रोग्राम है, 21 प्रोग्रामों में आपने क्या कर लिया पाकिस्तान में? आपने आपका अभी जो हमारे जो रियासत मदीना के ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है, इनकी कैबिनेट का एक बंदा अगले दिन फ्रांस में आया, उसने कहा मुझे माइग्रेन हुई है तो मैं फ्रांस में डॉक्टर से मिलने आया हूं। आपने 22 आईएमएफ के प्रोग्रामों में एक ऐसा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में नहीं बनाया जहां आपके वजीर अपना इलाज करा सके। तो अगर आपके ये हालात हैं इंटरनल, आप अच्छा मैं उसमें जो आखिरी उसमें क्लोजिंग आर्गुमेंट में ये कहूंगा कि मैं ये कहता था कि आपकी हर पॉलिसी डॉलर बेस है, अगले दिन मोईन यूसुफ साहब ने आके उसको सर्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब आप लोगों से आप दुनिया से कर्जे लेंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी पर उनका इन्फ्लुएंस होगा। बिल्कुल सही कहा, नेचुरल है, ऑबवियस है ये कि जब आप आईएमएफ से के सामने 1 बिलियन के लिए आप सर नगू होके बैठे हैं तो आपकी आपका स्टेट बैंक जहर है वो ही चलाएंगे। आपके शौकत तरीन साहब की डेफिनेशन देख लें, आप अपने गवर्नर स्टेट बैंक की डेफिनेशन देख लें, आपकी दूसरी सारी पॉलिसीज देख लें, तो वही इंफ्लुएंस होगा जहां से पैसे आएंगे। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है, और असला लेने की सलाहियत मैंने आपको बता दी है कि जब आपके वजीर आजम सब खुद ने कहा है कि हमारी इकॉनमी इस वक्त हमारी नेशनल थ्रेट बन चुकी है, तो असला किस चीज से लेंगे आप? मैं कहता हूं ठीक है चाइना, मैं तो बल्कि समझ रहा हूं इंडिया वेस्टिंग देयर टाइम। जब पाकिस्तान असला खरीदने की सलाहियत नहीं रखता तो बैन किस चीज का लगवा रहे हैं अभी? वो जिस तरीके बैन तो तब लगेगा, लगवा दे बैन का क्या फायदा? अगर चाइना की इंडिया के साथ दुश्मनी रहा हो तो आपको वो तैयारी देगा, आपके ऊपर आपसे लबी डबी होगा वो, जब उन्हें भी पता है कि आप डबल गेम खेलते हैं। अखलाकियात के जनाजे उठ रहे हैं डेली बेसिस पे, वो किस तरह सियालकोट में जिंदा इंसान आप जला के सेल्फियां बनाते हैं, और आप मरी 50 किलोमीटर दूर हमारे वॉइस राय सो रहे थे, वहां पे एक 8 किलोमीटर के अंदर कारें गाड़ियां कब्रें बन गई, अखलाकियात के जनाजे उठे हैं। और मैं गारंटी कर देता हूं कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा। 36 घंटे के बाद आप मरी को भूल जाएंगे। अब उसमें से पाकिस्तान में से आपको इस मुसीबत में से वो पाकिस्तानी ही बचा सकता है, फॉरेन नेशनल आपको नहीं बचा सकते, आपके लंदन का कैपिटल आपको नहीं बचा सकेगा, कोई इस्लामाबाद में ही मर्द मोमन होगा जो बचाएगा, लेकिन वो मुझे अभी अभी वो उसका कोई इशारा नजर नहीं आ रहा। अभी तक तो अंधेरा ही अंधेरा है, और हवाओं का रुख सख्त गर्म हवाओं का रुख इस वक्त पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि मिनी बजट महंगाई, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर, करप्शन जो है उसको उसके ऊपर देखें अकाउंटेबिलिटी 0%।